नमस्कार दोस्तों, निम्बस अकेडमी रीवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं एज प्रॉब्लम। क्या सीखते हैं? एज प्रॉब्लम का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हूं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे एज प्रॉब्लम। चलिए देख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लें। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप राइट कर लें, लिख लें। क्या कहता है? ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। दिया है कौन? ए दिया है और बी दिया है। क्या दिया है? 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 7:4। ये अनुपात दिया है 10 वर्ष बाद का, कितना हो जाता है? 7:4 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु। दोस्तों ये जो 7:4 है, ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है। यहां पर ए 7 है और यहां पर कितना है? 4। ये वास्तव में रेशियो में कितना बड़ा? रेशियो में कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि 3 नहीं 12 वर्ष बड़ा है। 3 की कीमत है 12। 3 की कीमत है कितनी? 12। वही कहानी दोस्तों, 3 सेव खरीदा अपने 12 रुपए में, तो एक सेव कितने में? ये 12/3 कर देंगे तो कितने में? 4 रुपए में। तो 3 की कीमत है 12, तो एक की कीमत कितना? 4। तो जब एक की कीमत है 4, तो 7 की कीमत भी कितनी होगी? तो 7×4=28 वर्ष। और 4 की भी कीमत बता दिया जाए, 4 की कीमत 4×4=16 वर्ष। लेकिन ये 28 वर्ष कब की आयु है? 10 वर्ष बाद की। पूछा क्या है? वर्तमान की। इसमें से 10 माइनस कर दें तो कितना? 18 वर्ष। और यहां से भी 10 माइनस कर दें तो कितना? 6 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? 18 वर्ष और 6 वर्ष। एक बार और देख लें, ए बी से 12 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4, रेशियो में 3 बड़ा है, लेकिन वैल्यू कहता 3 नहीं 12 बड़ा है। 3 की कीमत 12, तो 1 की कीमत 4, जब 1 की कीमत 4, तो 7 की कीमत 28 और 4 की कीमत 16। लेकिन पूछा क्या है? वर्तमान। तो 28 में 10 माइनस कर दें तो 18 वर्ष, और 16 में 10 माइनस कर दें तो 6 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? 18 वर्ष और 6 वर्ष। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कि यक्ष 22 से 15 वर्ष छोटा है। यक्ष 22 से 15 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 8:5 हो जाता है। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 8:5 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आय क्या होगी? यक्ष 22 से, किससे? 22 से कौन? यक्ष छोटा है। कितना छोटा है? 15 वर्ष। इनका अनुपात दिया है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दिया है कितना? 8:5। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है? 8:5। तो यक्ष 22 से छोटा है, यानी 22 बड़ा है किससे? यक्ष से। तो रेशियो में कितना बड़ा है? रेशियो में कितना बड़ा है? 3। लेकिन आपका क्वेश्चन बोलता है कि 3 नहीं बड़ा है, 15 बड़ा है, सॉरी छोटा है। रेशियो में 22 कितना बड़ा है? 3। भैया तो यह कह सकते हैं कि रेशियो में यक्ष कितना छोटा है? 3। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 3 नहीं 15 वर्ष छोटा है, तो 3 की कीमत 15, तो 1 की कीमत 5।
और जब एक की कीमत 5 तो 8 की कीमत भी 800 की कीमत 8×5=40 और 5 की कीमत 55। लेकिन ये 40 कब की है? 5 वर्ष बाद की। पूछा क्या है? वर्तमान। इसमें से 5 माइनस कर दें कितना? 35 वर्ष। यहाँ भी 5 माइनस कर दें कितना? 20 वर्ष। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? 35 वर्ष और 20 वर्ष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है। क्या कहता है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दोस्त ए और बी दो व्यक्ति हैं। उनकी आय का अनुपात कितना दिया है? 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। ठीक है, 30 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है? 30 वर्ष। यहां देख लिया जाए कि रेशियो में कितना अधिक है। यहां 4 है, यहां 7 है, तो फाइनली कितना अधिक है रेशियो में? 3। अरे यहां रेशियो में 3 अधिक है, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि 3 नहीं 30 अधिक है। तो एक की कीमत, 3 की कीमत है 30, तो एक की कीमत कितनी? 10। जब एक की कीमत 10 है तो 4 की कीमत कितनी? सॉरी, पूछा क्या है? तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। तो उनके आयु का योगफल, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 और 4 11। 7 और 4 कितना? 11। तो 11 की कीमत भी कितना? 10। तो 11 × 110 वर्ष। तो उनकी आयु का योगफल कितना होगा? 110 वर्ष। चाहे इसको अलग अलग करके निकाल लें, एक की कीमत 10 तो 4 की कीमत 40 और 7 की कीमत 7×70 और 70 × 40 जोड़ेंगे तो कितना? 110। इसलिए दोस्तों इसको एक साथ कर लें, 7×4=11, 11 की कीमत 110। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए 36 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कब का दिया है? वर्तमान का। ए और बी की वर्तमान आय क्या दिया है? 4:3। आगे कहता है कि 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा, यानी ए 26 वर्ष हो जाएगा, लेकिन कब? 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा। तो 6 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? 20 साल का। 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाएगा, तो 6 साल पहले कितना रहा होगा? 20 साल का। ये अनुपात कब का दिया है? वर्तमान का। ये अनुपात कब का दिया है? वर्तमान का। ये हो जाएगा लेकिन कब? 6 वर्ष बाद। इसमें से 6 माइनस कर दें तो क्या मिला? 20। लेकिन ये 20 क्या है? ये 20 क्या है? वर्तमान आयु है। किसकी? ए की। ए की वर्तमान आयु कितनी? 20। लेकिन ए वर्तमान में है कितना? 4। अरे 4 की कीमत कितनी? 20। 4 सेव की कीमत 20 रुपए, 1 सेव की कीमत 5 रुपए। पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु रेशियो में कितना है? 3। लेकिन वैल्यू में 3 की कीमत 5, 3×5=15 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। एक बार और देख लें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 ये वर्तमान आयु है। क्वेश्चन कहता है कि ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद में होगा तो 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 20 साल का। वर्तमान में 20 साल का। रेशियो में 4, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 3 की वैल्यू 15 वर्ष। चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको ये एज प्रॉब्लम का पार्ट फर्स्ट? यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें।
पूरा एज प्रॉब्लम आपको इसी कॉन्सेप्ट से मिलेगा। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।